focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech. हम लोगों ने कल देखा कि किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने माफी मांग करके विक्रम सिंह मजीठिया को क्लीन चिट ड्रग्स के मामले में दे दिया और हैरानी की बात यह है कि ऐसे समय में जब स्पेशल टास्क फोर्स ने हाई कोर्ट के अंदर अपनी रिपोर्ट दी और एक न्यूज आइटम के मुताबिक कंक्लूडिंग पैरा में लिखा हुआ है जो मैं अभी पढ़कर के सुना रहा हूं आप लोगों को, हमने इसकी कॉपी भी दिया है और वो ये है कि एज पर द फाइंडिंग रेमा फसाई देयर इज सफिशिएंट एविडेंस ऑन रिकॉर्ड to further investigate the role of Shri Bikram Singh Majithia as regards the allegation made in the application under inquiry. एक तरफ स्पेशल टास्क फोर्स ये कहता है कि सफिशिएंट एविडेंस ऑन रिकॉर्ड है कि इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन करी जानी चाहिए और दूसरी तरफ केजरीवाल जी कोर्ट के अंदर चिट्ठी लिख करके माफी मांग करके उनको क्लीन चिट दे. तो ये दोनों की टाइमिंग सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये इससे संदेह के घेरे के अंदर केजरीवाल जी को लेकर क्या है. ऐसे समय में जब स्पेशल टास्क फोर्स अपनी रिपोर्ट के अंदर ये कह रहा है कि इसके पास में सफिशिएंट एविडेंस है कि इन्वेस्टिगेट और किया जाए और इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, बाई नेम स्पेशल टास्क फोर्स ने जब इसका नाम दिया तो फिर केजरीवाल जी अगर उसी के साथ साथ उसी दिन केजरीवाल जी का लेटर एक तरीके से क्लीन चिट देते हुए इनको आता है तो इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है कि केजरीवाल जी इनकी मदद कर रहे हैं और केजरीवाल इस तरीके से इनसे मिले हुए. तो हमारा सीधे सीधे केजरीवाल जी के ऊपर आरोप है कि केजरीवाल जी क्या आप ड्रग डीलर से पंजाब के ड्रग माफिया से आपने हाथ मिला लिया, क्योंकि ऐसे क्रूशियल समय के ऊपर जिस वक्त स्पेशल टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट के अंदर इनको नामजद किया है, इनको नेम किया है कि इनको फर्दर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, ऐसे समय के ऊपर क्यों ऐसे समय के ऊपर इनके इनकी तरफ से ये माफीनामा आज आ रहा है. आज आज हमको सबसे पहले ये प्रश्न पूछना चाहते हैं. दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने यह तय किया है कि हम लोग 20 मार्च को मंगलवार को हम लोग मुख्यमंत्री आवास के ऊपर हम प्रदर्शन करेंगे और केजरीवाल जी से जवाब और माफी दिल्ली की जनता के से मांगने के लिए कहेंगे जिनके साथ में इन्होंने धोखा किया है. और हम लोग बाकी और केसेस में माफीनामा या बाकी और केसेस में और बात है, हम उस पर नहीं जाना चाहते अभी, जब समय आएगा तो उसके भी बताएंगे. लेकिन इसके अंदर ये सिंपल माफीनामा नहीं है बल्कि ये विक्रम सिंह मजीठिया के साथ में इनकी सांठगांठ है, उनको क्लीन चिट देने की साजिश है और ये क्लियर कट कोर्ट और पब्लिक परसेप्शन में उनको मदद करने के लिए केजरीवाल की साजिश है, केजरीवाल जी की सांठगांठ है, जो कि आज हम लोग केजरीवाल जी के ऊपर कांग्रेस पार्टी प्रश्न पूछ रही है और हम लोग उनके ऊपर आरोप लगा रहे. तो हम लोग 20 तारीख को 20 मार्च को हम लोग इसके ऊपर हम प्रदर्शन करेंगे और 20 मार्च को हमारे प्रदर्शन के अंदर हम लोग 12 बजे दोपहर को हम लोग प्रदर्शन करेंगे और इनसे इस्तीफा की मांग करेंगे केजरीवाल जी से और दिल्ली की जनता से माफी मांगने के लिए भी हम लोग उनसे कहेंगे.